हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक स्वीट की रेसिपी। देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सभी को पसंद आती है। देख के वैसे आपको इसका नाम पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये है अंगूरी पेठा और ये मैंने घर पर ही बनाया है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें ये सफ़ेद पेठा आता है, तो मैंने ये ले लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इससे किस तरीके से पेठा तैयार किया है। अब देखिए, इसका बीज का जो पार्ट है, बीज वाला, ये मैंने अलग से निकाल दिया है इस तरीके से। ये सारे बीज भी हम निकाल देंगे और उसके बाद मैंने छील कर पेठे को देखिए अपनी मनचाही शेप दे ली है। पेठे के, अंगूरी पेठा की शेप देने के लिए कटर भी आती है, मेरे पास कटर नहीं है तो मैंने हाथ से ही शेप दे ली है। उसके बाद ये देखिए, एक फोक की हेल्प से मैंने इसमें इस तरीके से छेद कर दिए हैं चारों तरफ से। इसी तरीके से पेठे में छेद कर लेने हैं। और ये मैंने ले लिया है चूना, ये पान की किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाता है। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और पानी में मैं थोड़ा सा चूना मिक्स करके अच्छे से चलाते हुए घोल दूंगी और 8 से 9 घंटे के लिए अपने पेठे के पीस चूने के पानी में भिगो कर रख दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। देखिए, पेठा ये बहुत ही सस्ता आता है और इसकी मिठाई बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाती है, लेकिन जब आप मार्केट से लाते हैं तो ये काफ़ी महंगी आती है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ये लगभग सभी की फेवरेट होती है। तो एक बार घर पर ट्राई कीजिए। ये देखिए, 8-9 घंटे हो चुके हैं हमारे चूने में भीगे हुए को पेठे को। तो अब हम एक भगोने में पानी चढ़ा लेते हैं थोड़ा सा गर्म करने के लिए। तब तक हम अपने पेठे को अच्छी तरह से धो लेते हैं। अब देखिए, पेठे को इस तरीके से अच्छे से धो लेना है ताकि चूने का असर बिल्कुल निकल जाए इससे। अब पानी गर्म हो गया है तो हम इसमें अपना पेठा छोड़ देंगे और लगभग 10 मिनट तक पेठे को पका लेंगे पानी में डालने के बाद। जब ये पक जाएगा तो ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। देखिए कितने अच्छे से उबाल आ रहे हैं, तो इतने अच्छे से ही ये पक रहा है। अब ये देखिए, मैंने आपको दिखा दिया ये ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने छन्नी ले ली है। अब छन्नी में मैंने अपना पेठा निकाल लिया है। अब इसके बाद हम चाशनी बनाने के लिए एक भगोना ले लिया। भगोने में मैंने एक कटोरी चीनी डाल दी है। एक कटोरी चीनी में मैंने आधी कटोरी लगभग पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें छोड़ देंगे अपने पेठे के पीस। इसकी कोई चाशनी इस तरीके से तैयार नहीं करनी है, चीनी मेल्ट होने के बाद ही पेठे के पीस इसमें छोड़ देने हैं, क्योंकि पेठे के पीस को काफ़ी टाइम तक हमें इसमें पकाना होगा, लगभग 10 से 15 मिनट। जब चीनी में अच्छे से हमें दिखने लगेगी कि भर गई है, तब हम इसे गैस को बंद करना है। अभी देखिए, अच्छे से ये पक रही है, तो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। अभी देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी चीनी अच्छे से भरी नहीं है तो हमें थोड़ा टाइम और पकाना होगा। अब ये तैयार हो गए हैं हमारे, तो मैंने गैस को बंद कर दिया। अब ये देखिए, मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। एक प्लेट में अब हम सारे पीस निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने जूसी बने हैं। अब ये देखिए, मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ कि अंदर तक चाशनी भर गई है और ये बहुत ही जूसी बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। ये देखिए, बहुत अच्छे बने हैं ये। अगर आपके पास केवड़ा या कोई एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी।